वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। सो स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। सो टुडे इज 27th ऑफ अगस्त और 27 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में सुपर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में सुपर ऐप टाटा डिजिटल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, टाटा डिजिटल ने लॉन्च किया है सुपर ऐप। टाटा डिजिटल एक एकीकृत सुपर ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार है जो कंपनी की उपभोक्ता सेवाओं को एक ही मंच पर संयोजित करेगा। नया ऐप दिसंबर 2020 तक लॉन्च के लिए तैयार होगा। नया सुपर ऐप उपभोक्ताओं को कई प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा, जैसे कि भोजन और किराना ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं आदि। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा सुपर ऐप क्या काम करेगा और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और क्यों लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता रहता है कि हमारे करंट अफेयर्स, हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ से होते हैं। सो अभी हमने डिस्कस करा है टाटा डिजिटल को, अब हम डिस्कस करेंगे PSU, ICICI बैंक और वाणिज्य मंत्रालय को। ठीक है, तो देखिए, हाल ही में ICICI बैंक क्यों है न्यूज़ में? देखिए, ICICI बैंक ने किसानों की ऋण योग्यता का आकलन करने में मदद करने के लिए खेत की उपग्रह छवियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो देखिए क्या क्या है, ये कदम COVID-19 महामारी की चपेट में आई दुनिया की यात्रा लागत में कटौती और तेज़ी से ऋण देने के निर्णय लेन देन में मदद कर रहा है। बैंक 500 गांवों में कृषि ऋण के लिए अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण कर रहा है और 63,000 गांवों में कृषि ऋण लेने की योजना बना रहा है। तो ये न्यूज़ है ICICI बैंक से। सो हमारे ऑप्शन में PSU था, तो देखिए PSU है क्या? देखिए, PSU को 14 दिनों के भीतर सीमा शुल्क देने की अनुमति। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीमा शुल्क से उनके द्वारा आयात किए गए सामान को पहले ले लेने और फिर बाद में 14 दिन के भीतर सीमा शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। इस उपाय के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयात किए गए सामानों को तेज़ी से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। हमारा लास्ट ऑप्शन था वाणिज्य मंत्रालय, तो देखिए, सरकार ने PPE कवरोल के मुफ्त निर्यात की अनुमति दी है। क्या है PPE? तो पर्सनल प्रोटेक्शन किट है ये। ठीक है, इक्विपमेंट। तो देखिए, 25 अगस्त 2020 को निजी सुरक्षा उपकरण PPE और मास्क के लिए अपनी निर्यात नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत सभी श्रेणियों के PPE मेडिकल कवरोल के देश के स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की अनुमति है। N95 और FFP2 को छोड़कर मास्क और फेस शील्ड को भी स्वतंत्र रूप से निर्यात योग्य वस्तुओं की सूची में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो वुमेन्स इक्वलिटी हाल ही में 26 अगस्त को मनाया गया है। देखिए, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए जा रहे 19वें संशोधन को याद करता है। इस अधिनियम में संघीय सरकार और राज्यों को लोगों के उनके लिंग के आधार पर मत देने के अधिकार से रोका। तो ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो हम डेली कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करते हैं। आपको जोन सा भी इम्पोर्टेंट डे याद हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासियों के लिए प्रागमन घरों का निर्माण किस राज्य द्वारा किया गया है? दोबारा सुनिए, प्रवासियों के लिए, जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए प्रागमन घरों का निर्माण किस राज्य द्वारा किया जाए? तो कर्नाटका द्वारा। देखिए, प्रवासियों के लिए प्रागमन घरों का निर्माण करेगा कर्नाटक। कर्नाटक प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रागमन घरों के निर्माण में केरल का अनुकरण करने के लिए तैयार है। इस कदम का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रहने की बेहतर स्थिति प्रदान करना है।
राज्य सरकार की योजना बेंगलुरु में 4 प्रागमन घर बनाने की है, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 3,000 श्रमिकों को समायोजित करने की क्षमता है। इन घरों में श्रमिकों को अपना भोजन पकाने के लिए रसोई घर होंगे। तो देखिए, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत थी मज़दूरों की, ठीक है, प्रवासी मज़दूरों की। यहाँ से वहाँ जा रहे थे, इतने सारे ऐप लॉन्च किए जा रहे थे, उनको ऐसे रखा जा रहा था, उनको क्वारंटाइन करा जा रहा था, ये सब। देखिए, अब जब मज़दूर नहीं हैं फैक्ट्रियों में, तो उनको उनके लिए रहने की व्यवस्था करी जा रही है, उनको वापस बुलाया जा रहा है, उनके बिना फैक्ट्री बंद है, उनके बिना इकोनॉमी डाउन जाया जा रही है। तो देख सकते हो आप मज़दूरों की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अब ये वही लोग हैं जिनको कुछ टाइम पहले लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, लोग पैदल जा रहे थे, पैदल अपने पैदल कितने किलोमीटर तक पैदल गए ये लोग, ठीक है। सो लॉकडाउन में आप सबने इनकी हालत देखी है, तो अब इनके लिए देखिए, अब इनको बुलाया जा रहा है और स्पेशल इनके लिए रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ थी कहाँ से, कर्नाटका से। तो जैसे कि आपको पता होता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं, तो अभी हमने डिस्कस करा कर्नाटक को, अब हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, असम। देखिए उड़ीसा से क्या न्यूज़ है। हाल ही में JSW स्टील उड़ीसा में 1,00,000 करोड़ से अधिक का निवेश करेगा। JSW स्टील अगले 10 वर्षों में उड़ीसा में 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करेगी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक और सज्जन जिंदल के बीच एक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि JSW IIM संबलपुर में उड़ीसा के लिए JSW सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ का निर्माण करेगा। इसके अलावा JSW जगत सिंहपुर जिले में उड़ीसा में 12 MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करेगा। सो बेसिकली देखिए, आज स्टेट की न्यूज़ में मैं डिस्कस क्या नहीं कर रहा हूँ, इनके ये कब बने थे, इनके पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज कौन सी रैंक है, तो ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। थोड़ी मेहनत लगेगी गूगल करना, कमेंट करना, कमेंट करोगे तो आपको याद होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन थे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से क्या न्यूज़ है। हाल ही में देखिए, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का टास्क फोर्स बनाने का फैसला है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। राज्य के छात्रों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करेगा। मंत्रिमंडल ने 2021 से 22 से राज्य के बजट में योजना और गैर योजना वर्गीकरण को हटाने की अपनी स्वीकृति दी है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है गुवाहाटी से, जो कि असम में है। तो देखिए, गुवाहाटी में हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र असम में 25 अगस्त 2020 को गुवाहाटी के एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन असम एपेक्स वीवर्स एंड आर्टिसंस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ARTFED द्वारा किया गया था। और केंद्र में बांस और बेंत आधारित स्थानीय वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। बांस और बेंत, देखिए मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए बांस और बेंत ऐसी चीज़ होगा, ठीक है। और फिर लास्ट बात है, असम सरकार ने पहले ही राज्य भर में यौन बैंक स्थापित किए हैं ताकि बुनकरों को रियायती दर पर यौन मिल सके। सो पिछले क्वेश्चन में मैंने 4 स्टेट से करंट अफेयर्स की न्यूज़ डिस्कस करी है। चारों स्टेट के आप मुझे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RCB KKR और MI मतलब जो हमारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, कोलकाता नाइट राइडर और मुंबई इंडियंस के साथ किसने साझेदारी की है। तो हाल ही में एस्ट्रल पाइप्स ने इनके साथ साझेदारी की है। क्या है एस्ट्रल पाइप्स और किस लिए साझेदारी की है, आइए बात करते हैं। देखिए, एस्ट्रल पाइप्स ने IPL T20 की आगामी स्तर के लिए 3 IPL टीम, कौन कौन सी, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ भागीदारी की। तीनों टीमों 2 पूर्व चैंपियन होने के मिश्रण के साथ बड़े पैमाने पर लोकप्रिय है और विशाल प्रशंसक आधार के साथ सबसे अधिक मांग वाली टीम है। सितंबर 2020 में दुबई में IPL T20 की मेज़बानी की जाएगी।
अब बारी है हमारे ऑप्शंस को डिस्कस करने की। तो देखिए, ऑप्शन में था आरबीआई। आरबीआई से क्या न्यूज़ है? आरबीआई ने देश की विकास दर का चयन 4.5% तक का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने 2020 से 21 के लिए भारत के विकास दर -4.5 का प्रतिशत अनुमान लगाया है। 25 अगस्त 2020 को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने वैश्विक दर -6.0% और -7.6% के बीच अनुमानित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा डेडलाइन मुद्रास्फीति मौजूदा तिमाही में बढ़ेगी, लेकिन वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कम होने की संभावना है। सो नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में थे WHO। सो WHO से क्या न्यूज़ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। इट्स अ गुड न्यूज़। WHO बीमारी को मिटाने के लिए एक दशक लंबे अभियान में अफ्रीका को पोलियो से मुक्त घोषित किया है। इसकी घोषणा WHO के अफ्रीका के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मत्स्यदियो मेती ने की है। उन्होंने इसे अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। पिछले 4 वर्षों से इस महाद्वीप पर कोई भी मामला सामने नहीं आया। पोलियो वायरस अब वायरस की सूची में चेचक में शामिल हो गया है, जिसे अफ्रीका में मिटा दिया गया है। सो ये न्यूज़ थी अफ्रीका से। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ब्रिक्स। और ब्रिक्स से क्या न्यूज़ है? देखिए, ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों ने वीडियो मीटिंग में भाग लिया है। ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हैं, पहले तो आप ये देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पे लोकेट भी किए हुए हैं। देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये है आपका ब्राज़ील, ठीक है। फिर आता है रशिया, ये वाला पार्ट रशिया है। फिर आता है आपका इंडिया, तो इंडिया आप सबको पता है हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है। फिर आता है चाइना, तो चाइना आपको पता है यहाँ पे है हमारे इंडिया के ऊपर। फिर उसके बाद आता है, ये पूरा चाइना है, ठीक है। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, तो ये देखिए साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब आपको याद होने चाहिए कि ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर हैं और कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं। आइए न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने एक वीडियो बैठक में भाग लिया। बैठक ने 5G, AI और औद्योगिक इंटरनेट जैसे नए उद्योगों में सहयोग पर एक संयुक्त बयान को अपनाया है। वीडियो बैठक सितंबर 2020 की शुरुआत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की प्रस्तावित बैठक से पहले हुई है। सो ये न्यूज़ थी कहाँ से? ब्रिक्स के बारे में। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, वह किस देश से हैं? तो जेम्स एंडरसन, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये इंग्लैंड से थे। आइए डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। सो देखिए, जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 25 अगस्त 2020 को 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। मैच के 5वें दिन उन्होंने अपने 600वें विकेट के लिए पाकिस्तान के बल्लेबाज अजहर अली को आउट किया, ठीक है, और 800 के साथ मुथैया मुरलीधरन, 708 के साथ शेन वॉन और 609 विकेट के साथ अनिल कुंबले एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जो विकेट लेने वालों की सर्वकालिक सूची में एंडरसन से आगे हैं। समझ गए? अब टर्न आती है हमारे ऑप्शंस की। तो हमारे पास ऑप्शन में है कांगो। क्या है कांगो से न्यूज़? देखिए, पूर्व कांगो राष्ट्रपति का निधन हो गया है। पूर्व कांगो राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का, क्या नाम था उनका? पास्कल लिसोबा का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। पूर्व कांगो के राष्ट्रपति लिसोबा ने 1992 में अपने देश का पहला बहुदलीय राष्ट्रपति चुनाव जीता था। 1992 से 1997 तक कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति थे, जिस कांगो ब्रेजाविल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांगो ब्रेजाविल भी कहा जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति डेनिस सासू नुगेसो
द्वारा एक संक्षिप्त गृह युद्ध में प्रहार करने के बाद वह फ्रांस भाग गए थे। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि था वियतनाम। तो भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 70वीं बैठक हुई है। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 70वीं बैठक 25 अगस्त 2020 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके वियतनामी समक्ष फाम बिन मिन ने इसके सह अध्यक्षता की है। दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच आर्थिक और रक्षा जुड़ाव में नई नीति गति जोड़ने के लिए सहमत हुए हैं। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है अमेरिका। तो अमेरिकी दूतावास ने विस्कॉम्प ने लोगों को सम्मानित किया। क्या है विस्कॉम्प? देखिए, 24 अगस्त 2020 को वुमेन इन सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पीस, वुमेन इन सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पीस की साझेदारी में भारत में स्थित अमेरिका दूतावास ने एक आभासी पुरस्कार समारोह का आयोजित किया। इसने पूरे भारत में लोगों को शैक्षिक स्थानों को सुरक्षित बनाने और सभी छात्रों के लिए समावेशी बनाने में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया। साहस पुरस्कार समारोह ने उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जिन्होंने लैंगिक भेदभाव को दूर करने और अनुकरणीय साहस दिखाया। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब किसने जीता है? तो ये तो आपके लिए बहुत ही जानने वाली बात है, नीलकांत भानुप्रकाश जी ने जीता है। ये नीलकांत भानुप्रकाश जी को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे जी सतीश रेड्डी को, नरेंद्र मोदी जी को और जी राजीव श्रीवास्तव को। ठीक है, देखिए नीलकांत भानुप्रकाश ने एक खिताब जीता है। हैदराबाद के 21 वर्षीय लड़के हैं नीलकांत भानुप्रकाश। उन्होंने विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है। उन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। चैंपियनशिप लंदन में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित की गई थी और उनके पास विश्व में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर होने के लिए विश्व रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड भी है। ठीक है, अब मैं उनको फोटो दिखा देता हूँ आपको, तो ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द जी सतीश रेड्डी। मैंने आपको कल के करंट अफेयर्स न्यूज में बता दिया था कि हाल ही में उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, DRDO के अध्यक्ष के 2 साल का विस्तार मिला है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को DRDO के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया है। उन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के विस्तार के 2 साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। सो ये न्यूज़ थी जी सतीश रेड्डी के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन को। हमारे नेक्स्ट ऑप्शन थे राजीव श्रीवास्तव। तो देखिए, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD और CEO राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने सत्यनारायण गोयल को प्रबंधक निदेशक और CEO के अतिरिक्त प्रभार दिया है। गोयल 21 जनवरी 2014 से 20 जुलाई 2019 तक कंपनी के प्रबंधक निदेशक और CEO थे। फिर हमारे पास ऑप्शन में नरेंद्र मोदी जी भी थे। तो देखिए उनसे क्या न्यूज़ है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2020 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री के पुरस्कार पोर्टल को 17 जुलाई 2020 को PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। लगभग 702 जिलों ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM का पुरस्कार 2020 में पंजीकरण और भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RT-PCR परीक्षण की कीमत किस राज्य में कम की गई है? तो देखिए, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने
आरटीपीसीआर परीक्षण की कीमत कम की है। ओडिशा सरकार ने रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड 19 परीक्षणों के लिए निजी प्रयोगशालाओं द्वारा अधिकतम मूल्य घटाकर 1200 रुपये कर दिया है। इससे पहले 3 जुलाई 2020 को सरकार ने आरटीपीसीआर कोविड 19 परीक्षण की अधिकतम कीमत 2200 रुपये तय की थी। ओडिशा में कुल 24,135 सक्रिय मामले और 56,925 ठीक हुए मरीज हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो देखिए, असम को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। असम को 28 अगस्त 2020 से प्रभावी 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। गुवाहाटी में जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्णय सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के तहत लिया गया है। पूर्वोत्तर में पिछले 6 महीनों के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले और असम में अवैध हथियारों की बरामदगी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है गुजरात भूमि कब्जेदारी निषेध अधिनियम। गुजरात था हमारे ऑप्शन में नेक्स्ट। तो गुजरात से न्यूज़ है, गुजरात सरकार राज्य विधानसभा के आगामी मानसून स्तर में गुजरात भूमि कब्जेदारी निषेध अधिनियम नामक विधेयक के साथ आएगी। प्रस्तावित अधिनियम में विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान होगा जो अधिकतम 6 महीनों में भूमि से संबंधित मामलों का निपटारा करेगी। इसमें जमीन की जंत्री मूल्यों के बराबर जुर्माना के अलावा 10 से 14 साल की कैद का प्रावधान होगा। फिर न्यूज़ आती है वाराणसी से। देखिए, डोम राजा जगदीश चौधरी का निधन हो गया है। अगस्त 2020 में वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी शमशान के राजा का निधन हो गया है। काशी के डोम राजा को वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों जो दाह संस्कार के लिए आरक्षित है पर निर्बाध रूप से चिता जलाए रखने वाले प्रमुख रक्षक के रूप में माना जाता है। यह माना जाता है कि अगर डोम राजा के कुल द्वारा चिता जलाई जाती है तो मृतक मोक्ष प्राप्त करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, ब्लास्टर ने रेडनिक बेलग्रेड के साथ साझेदारी की है। सो केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब ने हाल ही में रेडनिक बेलग्रेड के साथ साझेदारी की है और देखिए कि मूल कंपनी ब्लास्टर स्पोर्ट्स चेंजर्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने रेडनिक ब्लास्टर के साथ वॉलीबॉल में अपने उद्यम की घोषणा की। रेडनिक ब्लास्टर्स का गठन ब्लास्टर्स ने सर्बियाई क्लब रेडनिक बेलग्रेड के साथ साझेदारी में किया। टीम सर्बियाई प्रथम डिवीज़न टूर्नामेंट में भाग लेगी। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आप सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। देखिए, काउकास 2020 में भाग लेगा भारत। भारत सितंबर 2020 में दक्षिण रूस में लगभग 200 कर्मियों के एक त्रिसेवा दल को बहुपासरो अभ्यास काउकाज में भाग लेने के लिए भेज रहा है। कई अन्य देशों के साथ चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को भी इस आयोजन में भाग लेने की संभावना है। भारतीय दल में वायुसेना के 40 जवान, नौसेना के 2 अधिकारियों के साथ सेना के 160 जवान शामिल होंगे। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, भारतीय शोधकर्ताओं ने LiS बैटरी का विकास किया है। देखिए, IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी में शिवनादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लिथियम सल्फर बैटरी तकनीक विकसित की है। अनुसंधान लागत, प्रभावी कॉम्पैक्ट, ऊर्जा कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर बैटरी के उत्पादन में सहायता करेगा। बैटरी में पेट्रोलियम उद्योग के उत्पादों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि सल्फर और उसमें टेक गैजेट्स, ड्रोन आदि को पावर देने की क्षमता होगी। अगले न्यूज़ चाइना से है। चीन ने 4 उन्नत युद्ध पोतों में से पहला लॉन्च किया। देखिए क्या न्यूज़ है, चीन में उसके और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और रक्षा संबंधों को गहरा करते हुए पाकिस्तान के लिए निर्माण कर रहे 4 उन्नत नौसैनिक युद्ध पोतों में से पहला लॉन्च किया है। पहले युद्ध पोत का प्रक्षेपण समारोह संघाई में हडोंग जोंगहुआ शिपयार्ड में आयोजित किया गया। टाइप 04 श्रेणी के
फ्रिगेट का पहला जहाज नवीनतम सतह उपसतह एंटी एयर हथियार आदि से सुसज्जित है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, उनको याद रखना। देखिए, अक्स इंद्रधनुष वी एक एक्सरसाइज है जो कि कौन कौन सी कंट्री के बीच होती है, हमारी इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच, ठीक है। कंडक्ट कहाँ हुई थी, एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी, हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सेकेंड आती है अजय वॉरियर एक्सरसाइज, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुई, कहाँ पे हुई, यूनाइटेड किंगडम में। डिफेंस एक्सपो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सहयोग कैजिन इंडिया जापान के बीच होती है, चेन्नई तमिलनाडु में हुई। मिलन एक्सरसाइज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई। बिम्सटेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश नेपाल और श्रीलंका और म्यांमार के बीच होती है, कहाँ हुई, पुरी उड़ीसा में, ठीक है। सो वो 2020 में जितनी एक्सरसाइज हुई मैंने आपको बता दी। समर्थी ये 2019 की इंडिया बांग्लादेश में हुई, इंडिया बांग्लादेश के बीच होती है, कहाँ हुई, उमरोई में, मेघालय में। नवारम्स न्यू दिल्ली इंडिया में हुई, हैंड इन हैंड चाइना के साथ की, आपको पता है ये कहाँ हुई थी, उमरोई मेघालय में। सो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। सो ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई सीरीज क्लासेस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।